बौद्ध धर्म सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपनी साइंस की वजह से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं एंशियंट तिब्बती मेडिकल सिस्टम सोवा रिग्पा के बारे में। सोवा रिग्पा की जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। यह तिब्बत और भारत के हिमालय इलाकों में अपनाई जाती है। तिब्बत के लोग आज भी हिमालय की जड़ी बूटियों से अपनी हर बीमारी का इलाज करते हैं। यह इतना असरदार होता है कि इससे कैंसर तक का इलाज किया जा सकता है। सरकार ने हाल ही में सोवा रिग्पा का मेडिकल इंस्टीट्यूट लद्दाख में बनाने की घोषणा की है। यह इंस्टीट्यूट दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट के बराबर ही मान्यता रखेगा। सोवा रिग्पा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने इसके एक्सपर्ट से बात की। Tibetan Medical Institute, Sowa means healing and Rigpa means it's a knowledge or science. So, the mostly the theory and the practice is some like similar to the Ayurveda, and Sowa Rigpa is one of the oldest living and well documented medical tradition in the world. Historically, it has been originated in Tibet around in 7th to 8th century, and in 1961 His Holiness the Dalai Lama re-established the Mensikhang or Tibetan Medical Institute in Dharamshala, and till now we have 55 branch clinics in India. 2010 also Indian government approved the Sowa Rigpa in the Ayush, and this year Union Cabinet also approved the National Institute of Sowa Rigpa in Leh. So it will promote the Sowa Rigpa and benefit for all the students in not only in India but from other countries to learn the traditional medicine. जो तिब्बतियों का पारंपरिक औषधि जिसे हम Sowa Rigpa के नाम से जाने जाते हैं उसका लाभ तो हम सब के क्या कहते हैं it's clearly visible to all of us. जैसे कि क्या कहते हैं modern medical science जहाँ पर बड़े बड़े रोग के सामने जब हाथ खड़े कर देते हैं तब एक ही अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रह जाता है ज्यादातर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसमें से क्या है एक Sowa Rigpa भी उनमें से एक शामिल। लेकिन जब हम Sowa Rigpa जो तिब्बती की पारंपरिक औषधि जो है वो भी भारत का पारंपरिक धरोहर का एक अंग माना जाना चाहिए मेरे लिए सोचना। जैसे कि तिब्बती बौद्ध धर्म जो है उसका नीम जो है नालंदा के विश्वविद्यालय में वहां से बनता है तो वैसे ही जैसे हमारे पारंपरिक तिब्बती औषधि जिसे हम Sowa Rigpa के नाम से जाते हैं उनका इसका क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। और वही नहीं बल्कि सालों से वर्षों से जो हिमालय भारत के हिमालय क्षेत्र में जो है वहां पर इसका अभ्यास हो रहा है बहुत साल से। तो इस मायने से देखा जाए तो अभी जो Sowa Rigpa जो है इसका जो क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन और प्रमोशन का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ तिब्बतियों का भी नहीं क्या कहते हैं देश भारतवासियों का भी है। तो इसलिए जैसे भी अभी जो भी सपोर्ट और असिस्टेंस जो भारत के गवर्नमेंट है और भारत के लोग से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत।